नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का दोस्तों ये जी बैनर आ रहा है। तो दोस्तों आप थंबनेल से समझ चुके होंगे कि मैं वीडियो किस बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। प्लस दोस्तों अनबॉक्सिंग से पहले पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने अप्लाई कैसे किया, कहाँ से किया, कितना टाइम लगा, क्या क्या मैसेज मेरे पास आया दोस्तों, और मुझे कितना टाइम लगा मेरे पास ये कार्ड आने में। जब से जिस दिन मैंने अप्लाई किया उस दिन से मेरे पास जब कार्ड आया उतने बीच में कितने टाइम लगा, क्या क्या मैसेज मेरे पास आया, पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको एक नॉर्मल भाषा में बताऊंगा, जिससे अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो आप आसानी समझ सको कि आपके पास दोस्तों ये कार्ड है ये कितने दिन में आएगा और इससे पहले आपको क्या क्या मैसेज आने वाले हैं, जिससे आपको कोई टेंशन ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है। अभी तो दोस्तों अप्लाई का ऑप्शन आ नहीं रहा है, बट मेरे पास क्या हुआ था मैं आपको क्लियर बताऊं। ये देखिए जैसे फ्लिपकार्ट का दोस्तों जो हम जब शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से हमारे उसी नंबर पर जो नंबर हमने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर रजिस्टर किया हुआ है उस पर दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते हैं ऑफर देने के लिए। तो मेरे पास दोस्तों ये इस तरह के मैसेज आए थे, तो मैंने यहीं से क्लिक किया। जैसे देखिए ये मैसेज डला हुआ है 5 फरवरी का, तो मैंने 5 फरवरी को नहीं किया था, मैंने किया था बाद में, तो मैंने यहीं से क्लिक कर दिया। तो ये ऑप्शन आता ओपन फ्लिपकार्ट, मैंने ओपन किया। अब यहाँ दोस्तों देखिए अभी ऑप्शन आ रहा है कमिंग सून का, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ रहा था अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था अप्लाई नाउ, मैंने अप्लाई किया। और वहाँ पर दोस्तों जो भी हमसे जो पूछा जाता है कि हमारे एड्रेस के बारे में, नाम पता, जो भी हमें आप एकदम सही से भर देना है, तो मैंने सब भर दिया और फाइल को सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों मेरे पास मैसेज आया, देखिए मैसेज दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए पहला मैसेज जो आया था वो दिखा रहा हूँ आपको सबसे पहले, देखिए 9 तारीख को, क्योंकि मैंने 9 तारीख को ही किया था। जी देखिए थैंक यू फॉर अप्लाइंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। और जो दोस्तों मेरा जो एप्लीकेशन आई डी नंबर होता है वो ये था C1 से लेके ये इस तरीके से नंबर आता है, तो जे और इसके बाद दोस्तों हमारा कन्फर्म इसमें बताया जा रहा है जी हमारा एप्लीकेशन आई डी है और कन्फर्म हमारा कार्ड कब होगा, इसका एक स्टेटस हमारे पास जल्दी भेज दिया जाएगा हमारे इसी नंबर पर। तो जी दोस्तों मैंने किया था 9 फरवरी को, ये देखिए 9 फरवरी। फिर दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया उसके दोस्तों 9 फरवरी के 2 दिन बाद, यानी 9 के बाद 10 11 11 तारीख को दोस्तों देखिए मेरे पास कॉल आया था फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक की तरफ से ही कि आपका बायोमेट्रिक होना है। तो दोस्तों मैंने उनको एड्रेस दे दिया अपनी शॉप का, वहाँ पे दोस्तों वो आए, उन्होंने मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया और बायोमेट्रिक किया। तो बायोमेट्रिक करने के लिए दोस्तों जब बायोमेट्रिक मेरा हुआ तो एक OTP वगैरह आया, जो OTP दोस्तों जी शो हो रहा है, जब मेरा बायोमेट्रिक हुआ था तो OTP आता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसी नंबर पर दोस्तों जो नंबर हमारा आधार कार्ड में लगा होता है सेम वही नंबर पर, तो OTP आया, OTP मैंने डाल दिया और यहाँ पर शो हो रहा था OTP से पहले कि आप जो कार्ड बनवा रहे हो उसमें इतना चार्ज लगेगा, ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये है, एनुअल फीस भी 500 रुपये है, ये बार यानी पूरा डिटेल हमें बता दिया। और हमारा दोस्तों बायोमेट्रिक हो गया 11 तारीख को, ये हुआ था दोस्तों हमारा दोपहर के 3 बजे। फिर उसके बाद दोस्तों उसी 11 तारीख को रात को मेरे पास मैसेज आ जाता है, ये देखिए 9:45 बजे कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके लिए थैंक यू, और फ्लिपकार्ट की तरफ से आपका जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो प्रोसेस में जा चुका है और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी दे दी जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों उसके बाद हमारे पास 12 तारीख को एक मैसेज आता है, 11 तारीख के बाद 12 तारीख को ज़्यादा दोस्तों हमारे पास रात को ही 2 बजे, ये देखिए 2 बजे मैसेज आया मेरे पास, कुछ यानी कि कुछ ही घंटे बाद, 2-4 घंटे बाद ही मैसेज आ गया रात को कि आपका दोस्तों जो एप्लीकेशन नंबर है जो हमने आपको दिया था आपका जो अंडर रिव्यू में जा चुका है और 5 से 7 वर्किंग डे में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका कार्ड कन्फर्म होगा या फिर नहीं। तो मैंने वेट किया,
फिर दोस्तों मेरे पास कोई मैसेज नहीं आता है। फिर मेरे पास दोस्तों मेल आता है 12 तारीख को ही दिन में, ये देखिए एक्सिस बैंक की तरफ से 12 फरवरी को ही। पहले दोस्तों मेरे पास मैसेज आया था 5 से 7 वर्किंग डे का, उसके बाद एक्सिस बैंक की तरफ से मेल आता है कि हम आपको फाइनल डिसीजन 72 घंटे के अंदर दे देंगे, उसी दिन आता है ये दिन में, ये देखिए 12 तारीख को 12 फरवरी को। फिर दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, जैसे लोग बोलते हैं आपने वीडियो में देखा होगा कि चेक करो वो करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम कुछ भी कर लें वही होता है जो दोस्तों जो बैंक चाहती है। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैंने देखा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास काफ़ी मैसेज पड़े हुए हैं, तो कोई डिलीट नहीं किया। मेरे पास दोस्तों मैसेज आया था 15 तारीख को, देखिए 15 फरवरी 3 दिन बाद, यानी 12 तारीख के बाद सीधा 15 तारीख को मेल आया, 3 दिन बाद मैसेज नहीं आया दोस्तों मेरा, फिर सीधा मेल आया। यहाँ दोस्तों देखिए हमारा क्रेडिट, ये हमें वापस बता रहे हैं, देखिए कि हमने दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था उसकी एप्लीकेशन को दोस्तों तो रेफरेंस नंबर दे दिया गया है, और जो हमारा क्रेडिट कार्ड है अप्रूव कर दिया गया है, जो हमारे जल्द ही रजिस्टर जो एड्रेस है उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। हमने जो एड्रेस दिया था इसमें उस पर रजिस्टर कर दिया जाएगा, जो आया था दोस्तों मेरे पास 15 फरवरी को। अब इसमें जे दोस्तों नहीं बताया कि कब आएगा, कितनी तारीख को आएगा और कौन से कोरियर द्वारा आएगा, कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि अप्रूव कर दिया गया है। देखिए योर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन इज अप्रूव, ये दोस्तों 72 घंटे का बोला था उन्होंने 12 तारीख को, तो 15 फरवरी को यानी 15 तारीख को, जिसमें 3 दिन बाद मेरे पास मेल आया जिसमें बताया गया कि हमारा कार्ड अप्रूव हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 15 तारीख के बाद, ये मैं चेक करता हूँ, 15 तारीख के बाद दोस्तों फिर मेरे पास मेल आता है 15 तारीख को ही, ये आता है दोस्तों मेरे पास रात को, यानी कि 8:30 या 9 बजे समथिंग मेरा मेल आता है 15 तारीख को ही, वो दिन में आया था, ये रात को आता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है ये देखिए लास्ट में 4384, ये देखिए 4384 दोस्तों ये डिस्पैच कर दिया गया है, और डिलीवर दोस्तों हमारे इस एड्रेस पे होगा जो एड्रेस में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ये होगा दोस्तों ब्लू डार्ट द्वारा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो होते हैं जे हमें ब्लू डार्ट द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये 15 तारीख को मेरे पास आ जाता है मैसेज। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, मुझे पता लग चुका था कि मेरा कार्ड अप्रूव हो चुका है और वहाँ से डिस्पैच भी कर दिया गया है। फिर 18 तारीख को दोस्तों देखिए, सीधा 18 तारीख को मेरे पास मैसेज आता है कि आपका जो कार्ड है वो 18 फरवरी को डिलीवर कर दिया जाएगा ब्लू कार्ड द्वारा। तो मुझे पता लग चुका था कि 18 तारीख को मेरे पास कार्ड आ जाएगा। दोस्तों मेरे पास एक कोरियर आया था DDDC की तरफ से, जाएगा दोस्तों फ्राइडे को, जिसमें दोस्तों क्या हुआ कि मेरे पास एक लिफाफा आया जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। तो मैंने सोचा कि ये एक लिफाफा जो आया इसमें कार्ड तो है ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपके पास 2 बार में कार्ड आ सकता है, पहली बार में दोस्तों आपको आपके पास आएगा जो पिन होता है जिसकी मदद से आप कार्ड बनाते हो। तो दोस्तों ये पिन आया था मेरे पास DDDC की तरफ से, देखिए DDDC की तरफ से मेरे पास कार्ड आया, ये पिन आया था पहले। तो मैंने उन्हीं भैया से पूछा कि भैया मेरा कार्ड तो इसमें है नहीं है, कार्ड कब आएगा। तो उन्होंने बताया कि कार्ड दोस्तों आपके पास आएगा, उन्होंने बताया एक कार्ड आएगा आपके पास ब्लू डार्ट की तरफ से 1 या 2 दिन के अंदर। दोस्तों जो मैसेज पहले मेरे पास ये लिफाफा आया, उसके बाद दोस्तों मेरे पास कार्ड आया था कल, यानी कि दोस्तों शुक्रवार को मेरे पास आया था एक पिन, और ब्लू डार्ट की तरफ से दोस्तों देखिए कल, यानी 1 दिन बाद ही मेरे पास ये कार्ड डिलीवर कर दिया गया था, मैसेज आ चुका था ये ट्रैक करने के लिए, और ब्लू डार्ट ने दोस्तों जे तो मैसेज है जी कार्ड दोस्तों देखिए डिलीवर कर दिया गया था राजेश राठौर, और जी मेरा जो रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी था मेरे पास आ चुका था। तो इतना कुछ प्रोसेस हुआ था दोस्तों 9 तारीख से ले गए, कल तारीख थी फ्राइडे की दोस्तों, यस्टरडे तक की तारीख थी दोस्तों 18 तारीख थी शिवरात्रि वाले दिन तक की। तो करीब 9 से 10 दिन लग गए मेरे कार्ड को अप्लाई करने से लेकर डिलीवर तक होने में। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ इस कार्ड की
पूरी अनबॉक्सिंग कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये लिफाफा मिलता है जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है, एक पिन होती है और कुछ नहीं होता। पिन मतलब ये कागज होता है, इसके अंदर जब आप इसको यहाँ से फाड़ोगे तो ये दो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों चार डिजिट की पिन होती है, वो अंदर से लगी हुई है। तो जी मिला था मुझे कार्ड मिलने से एक दिन पहले। उसके बाद दोस्तों कल मुझे मिला है ये है मेरा कार्ड। जी मिला था ब्लू डार्ट की तरफ से इस तरीके से, यानी कि मेरे पास दो बार में कार्ड आया था, एक बार में पिन, एक बार में कार्ड। तब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, मैंने वो चेक किया था। तो देखिए इस तरीके से कुछ आता है और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दोस्तों एक्टिवेट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारा कार्ड नंबर है, और मैंने कोई भी कार्ड इसके ऊपर नहीं लिया। लिमिट दोस्तों सिर्फ हमें मिली है 33,000 रुपये की, इससे ज़्यादा नहीं मिली, बट कोई दिक्कत नहीं, लिमिट हमारी बाद में बढ़ जाएगी। इसमें जॉइनिंग फीस 500 रुपये है, एनुअल फीस भी 500 रुपये है। तो यहाँ दोस्तों हमें एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड को दोस्तों पहले अलग करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए जी कार्ड मिला है हमें, कार्ड नंबर है, कार्ड मिला है, राइट डॉट कॉम डला हुआ है मेरा पूरा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है साफ साफ कि जब जो कार्ड आपके पास आएगा उसके 30 दिन के अंदर आपको ये एक्टिवेट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका ये कार्ड है बंद हो जाएगा, फिर ये कभी एक्टिवेट नहीं होगा। और एक्टिवेट करना कैसे है ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए कार्ड में रखता हूँ साइड में, आप देखिए यहाँ पे हमें ऐसा क्या क्या मिलता है, ये सबको ही पता है वैसे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5% का कैशबैक मिलता है हमें फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे शॉपिंग करते हैं तब। 4% का दोस्तों हमें जो इस कार्ड से जो पार्टनर हैं नीचे दिए गए हैं इस पे शॉपिंग करते हैं तो 4% कैशबैक मिलेगा। और दोस्तों 1.5% का कैशबैक मिलेगा अगर आप किसी और पे स्पेंड करते हो तो, किसी और इनके अलावा और एप्लीकेशन पे, तो हमें आपको 1.5% का यहाँ पर कैशबैक मिल सकता है कैशबैक दोस्तों। और ये सब 1% का फ्यूल चार्ज पे दोस्तों, और ये सब मिलता है आपको जब आप यहाँ पे शॉपिंग करते हो। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑफर मिलते हैं, इसी वजह से मैंने इसको अप्लाई किया था। देखिए जी कार्ड और मिलता है हमें, स्टेप 1 एक्टिवेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये सब यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल में दिया गया है। दोस्तों देखिए जी है मेरा कार्ड, इसमें आप अप्लाई करने से लेके अनबॉक्सिंग तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।